आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की महिला सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल के नेतृत्व में कुसुम लता यादव को समाजवादी पार्टी की महिला सभा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। सोमवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की महिला सभा का सम्मेलन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल के नेतृत्व में कुसुम लता यादव को समाजवादी पार्टी की महिला सभा के जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की घोषणा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन बढ़ाते हुए प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने की बात कही। कार्यक्रम दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने कुसुम लता यादव को मनोनीत पत्र दिया। आगरा में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मेहनती कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में आज महिला सभा की अध्यक्ष कुसुम लता यादव जी को बनाया गया है, जो बहुत ही संघर्षशील और पुरानी वर्कर हैं पार्टी की, और मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि ये पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगी और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जीत तोड़ मेहनत करेंगे। कई लोग पार्टी में शामिल होंगे दूसरे दलों से, कितने मजबूत होगी पार्टी? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह क्रम लखनऊ से लेकर आगरा तक लगातार चल रहा है और आगरा में कई राउंड में लोग शामिल हो चुके हैं। आज भी हमारे जन मोर्चा छोड़कर देव कुशवाहा जी शामिल हुए हैं अपने साथियों के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे भी आपको बड़े नाम सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में विधायक हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने बताया कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे अत्याचार का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उसी लड़ाई को समाजवादी पार्टी महिला सभा के माध्यम से जनता के बीच जाएगी और महिलाओं को जागरूक करेगी। श्रीमती कुसुम लता यादव आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के अनुसार मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मैं पूरी तरीके से अपनी सारी महिलाओं का लेकर और हमारे माननीय रामगोपाल बघेल जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर बहुत मेहनत करूँगी और 2022 तक इतनी मेहनत करेंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने पूर्व सरकार में समाजवादी पार्टी द्वारा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए जनहित के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। फिर चाहे समाजवादी पेंशन योजना हो या फिर महिला कन्या विद्याधन योजना और 1090 महिला हेल्पलाइन हो और भी कई योजनाएं और महिलाओं के हित में किए गए कार्यों को बताया। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।